हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग मेड इजी। तो इस वीडियो में हम लोग अर्थवर्क एक्सकेवेशन का मेथड 3 से देखेंगे कैसे हम लोग अर्थवर्क को एस्टीमेट कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको मेथड 1 और मेथड 2 समझाया था कि हम लोग मेथड 1 मिड सेक्शनल एरिया मेथड और मीन सेक्शनल एरिया मेथड से कैसे अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड 3। मेथड 3 क्या है? हमारा प्रिस्मोइडल फॉर्मूला मेथड। एंड प्रिस्मोइडल फॉर्मूला मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड, बट हम लोग इसे इसलिए यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये बहुत कम्बरसम होता है। मीन्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और थोड़ा सा जो हमारा टाइम टेकिंग होता है। तो हम लोग फर्स्ट 2 मेथड्स को यूज करते हैं, बट जो हमारा प्रिस्मोइडल फॉर्मूला होता है, प्रिस्मोइडल एरिया मेथड होता है, उसमें जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इन द सेंस, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल टर्म्स। बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। पॉइंट, अगर आपका 80.2 आ रहा है मान लीजिए उसमें, तो यह आपको 80.235 ऐसे करके, या 80. मान लीजिए 450 करेक्ट वैल्यू है तो आपको ये करेक्ट वैल्यू दे देगा, और जबकि आपको मिड सेक्शन और मीन सेक्शन एरिया में 80.2 मिल रही है तो इसमें आपको 80.4 करेक्ट मिल जाएगी। तो इतना ही डिफरेंस होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रिस्मोइडल एरिया मेथड से कि हम लोग ये वाले मेथड से कैसे हम लोग अर्थवर्क को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अभी तक जो लोग भी मेरा वीडियो नए पहली बार देख रहे हैं, जो लोग भी नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम से मिल सके। सो लेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है। इन अदर 2 वीडियोज और इन प्रीवियस 2 वीडियोज मैंने आपको सबसे पहले बताया था वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, मतलब हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी आगे वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए। तो इसका जो प्रिस्मोडल फॉर्मूला मेथड है उसका वॉल्यूम का मेथड होता है L/6 a1 + a2 + 4 am। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है प्रिस्मोइडल वॉल्यूम, प्रिस्मोइडल फॉर्मूला मेथड क्या होता है, L/6 a1 + a2 + 4 am। अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, ए वन कैलकुलेट करना है, ए2 कैलकुलेट करना है और am कैलकुलेट करना है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाया हुआ है कि कैसे हम A1, A2 और AM कैलकुलेट करेंगे। AM, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे AM क्या है। ये आपका है मीन सेक्शनल एरिया मेथड या फिर मिड एरिया मेथड। आप इसे मीन सेक्शनल एरिया मेथड से भी निकाल सकते हैं या फिर मिड डेप्थ फाइंड करके मिड सेक्शनल एरिया मेथड से भी निकाल सकते हैं। DM फाइंड करके D1 + D2/2 से भी निकाल सकते हैं। तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे निकालोगे। तो सपोज आप लोगों को कोई भी स्ट्रेच गिवन हुआ, गिवन है, तो आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एरिया एट वन एंड निकालोगे। सपोज दिस वन इज द फर्स्ट एंड ऑफ एनी स्ट्रेच, तो आप लोगों को मान लीजिए ये वाला एंड गिवन है, तो जिसकी हाइट है हमारी या डेप्थ है D1, ठीक है, और विड्थ हमारी तो सेम ही रहेगी ऑल स्ट्रेच, क्योंकि सेम है तो सारे स्ट्रेच की विड्थ सेम रहेगी, बस हमारा डेप्थ बदल जाएगा। डेप्थ कैसे बदलेगा, कहीं पे अंड्यूलेशन होंगे, एक्सकेवेशन हम करेंगे तो अंड्यूलेटेड लैंड होगी, तो हमारा कहीं पे ऊपर की तरफ होगा, कहीं पे गड्ढा आ जाएगा, तो हमें हमें देखना है कहाँ पे हमें कटिंग करनी है, कहाँ पे हमें फिलिंग करनी है लैंड की। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा D1, D2, D3 चेंज होता रहता है। तो हम लोग फर्स्ट अगर एंड पे देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सपोज आपकी हाई डेप्थ है D1, तो हमारा A1 क्या हो जाएगा, A1 = BD1। BD1 क्या, B × D1, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन, प्लस SD2। SD2 कैसे आता है, हाफ इंटू ट्राइंगुलर का एरिया निकालोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये क्या हो जाएगा आपका SD1। SD1 तो 2 ट्राइंगल का करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो आपका आ जाएगा SD1². सिमिलरली अगर आप A2 एंड पे देखोगे, मान मींस अदर एंड पे देखोगे, तो वहां पे अगर आपकी हाइट अगर D2 है तो आपका एरिया क्या हो जाएगा उस एंड पे, B × D2 + इन दोनों ट्राइंगल का हाफ इंटू बेस
बेस क्या हो जाएगा, एस इंटू डी टू, एस इंटू डी टू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है डी टू। तो अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा एस इंटू डी टू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप, अब हमारा ए वन और ए टू आ गया, अब हमें निकालना है ए एम, तो हमारा ए एम क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा हमारा मिड एरिया जो हो जाएगा हमारा, मान लीजिए कोई भी सेक्शन है तो हमारा मिड एरिया क्या हो जाएगा, जो हमारा मिडल पे लाई करेगा। तो अगर आपका सेक्शन अगर ऐसे गिवन है, तो अगर हमारा फर्स्ट एंड की थी डी वन डेप्थ, सेकेंड एंड की थी डी टू या अदर एंड की थी डी टू, तो हमारा मिडल वाले एंड मिडल सेक्शन का डेप्थ कितनी हो जाएगी, डी एम। तो मैंने आपको ये पार्ट थ्री वीडियो में बताया था, मिड सेक्शनल एरिया मेथड वाले वीडियो में बताया था कि हम डीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। डीएम का फॉर्मूला होता है डी वन प्लस डी टू बाई टू, मीन्स एवरेज ऑफ बोथ द डेप्थ्स एट बोथ द एंड्स। तो डीएम हो जाएगा हमारा डी वन एंड प्लस डी टू एंड डिवाइडेड बाई टू। तो हमारा ए एम क्या हो जाएगा, बी डी प्लस एस डी स्क्वायर, वैसे जनरल फॉर्मूला होता है। तो हमारा ए एम है, तो हम लोग बी इंटू डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर कर देंगे, और डी एम की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी डी वन प्लस सी टू बाई टू। अगर आप डी एम की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो आपका एरिया मिडल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी इंटू डी एम की जगह डी वन प्लस डी टू बाई टू प्लस एस स्लोप जो भी आपको गिवन होगी, इंटू डी वन प्लस डी टू बाई टू का होल स्क्वायर, बी डी एम प्लस एस डी एम स्क्वायर। ये वाला आपका ए एम एक और तरीके से आ सकता है, एरिया इज, ए एम इज मीन एरिया। तो अगर आप ए वन प्लस ए टू बाई टू करते हो, मीन एरिया आप ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, ए वन प्लस ए टू बाई टू अगर आप करते हो तो भी सेम चीज आएगी। ए वन प्लस ए टू बाई टू करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ये बी, डी वन प्लस डी टू बाई टू हो जाएगा आपका, प्लस एस इंटू डी वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर बाय टू हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आप लोग दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। एंड लास्ट में मैं आपको इसका भी, लाइक मैंने आपको ट्रेपिजोइडल फॉर्मूला दिखाया था मीन सेक्शनल एरिया, मीन एरिया मेथड के लिए, उसका जनरलाइज फॉर्मूला दिखाया था जिसे हम ट्रेपिजोइडल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो सिमिलरली हमारा प्रिस्मोइडल फॉर्मूला भी है एक जनरलाइज फॉर्म में, कि अगर हमें सिर्फ क्वेश्चन में एरियाज गिवन हो या अगर हम लोग एरियाज कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोग टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो वॉल्यूम हो जाएगी हमारी, मेरे साथ आप ऐसे इजीली आप लोग याद कर सकते हो, उस केस में था एल बाय सिक्स मीन एरिया मेथड में, इसमें हो जाएगा हमारा एल बाय थ्री। एल बाय थ्री के बाद फर्स्ट एरिया, फर्स्ट एरिया क्या हो जाएगा, ए वन फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, ये हमारा इतना तो पोर्शन सेम रहेगा, फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया, ए वन प्लस ए एन। ए एन आपका अगर मान लीजिए ए वॉल्यूम अगर आप 1 से 5 तक कैलकुलेट कर रहे हो तो यहाँ पे हो जाएगा ए वन प्लस ए फाइव, बाकी आपका जो एडिशनल होगा वो होगा 4 इंटू ऑड एरियाज। अगर आपके मान लीजिए ए वन से ए फाइव के बीच में है तो ए वन और ए फाइव आपने लिख लिया, ऑड एरिया कौन सा आएगा बीच में बचा, जो है ए थ्री, तो आप उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से, प्लस 2 इंटू इवन एरिया, 2 इंटू इवन एरिया। इवन एरिया कौन कौन से हो जाएंगे, आप 1 से 5 के बीच में 2 और 4, तो 2 इंटू ए 2 प्लस 2 इंटू ए 4। अगर आप मान लीजिए अगर आप वॉल्यूम 1 से लेकर 10 के बीच में निकाल रहे हो तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, एल बाई थ्री ब्रैकेट में ए वन प्लस ए टेन प्लस 4 इंटू ऑड एरियाज, आपके जितने भी ऑड हैं 3, 5, 7, 9, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 4 इंटू ए 3 प्लस 4 इंटू ए 5 प्लस 4 इंटू ए 7 प्लस 4 इंटू ए 9 प्लस 2 इंटू इवन एरियाज कर लोगे आप, तो 2 इंटू ए 2 प्लस 2 इंटू ए 4 प्लस 2 इंटू ए 6 प्लस 2 इंटू ए 8, तो आपका ए वन वॉल्यूम आ जाएगा 1 से लेकर 10 पोर्शन के बीच में। तो इसका मैं आपको न्यूमेरिकल भी समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में, एंड लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में पिछली सारी वीडियोस का, आप उन लोगों को, उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से तीनों मेथड समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ न्यूमेरिकल लेके, या फिर आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे एस्टीमेट कर सकते हैं अगर आप जो भी अर्थवर्क कर रहे हैं साइट पर, ये मैं आपको सारे मेथड से समझाऊंगा आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। तो
तो होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड जो भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको एंड ट्राई टू आंसर एज सून एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।